मेहमान की कहीं पे कोई शहादत हो जाती है तो वो फिर उनके आबाई गांव में उनकी कब्र और उनको तमाम फौजी एजाज के साथ दफनाते हैं और फिर वहाँ पे ये पाकिस्तानी रियासत का झंडा जो है कि उनकी कब्र पे लगाते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमारा यही बात है जी। देखिए ना, पुराने जमानों का एक दस्तूर है, पुराने जमानों का दस्तूर है कि जिस नई जगह पे काबिज जाते हैं वो वहाँ पे पहले अपना झंडा उगाड़ते हैं। आप उधर कितने से उतरेंगे? मैं इधर बस आगे क्रॉस कैसे करेंगे? वो जो पीछे इकट्ठा है वो कौन सा है? ये डुंडा ना लेके, ये डुंडा पीछे डुंडा पानी लाइन जगह के कितना टाइम लगता है? अच्छा, डेढ़ घंटा पैदल चलने के बाद। हाँ, तो वहाँ पे कोई अस्पताल वगैरह की सहूलत है? कोई बीमार हो जाए तो उठा के लाना पड़ता होगा। गांव का क्या नाम है जी? गांव का आपके गांव का इसका लुंडा नाला कहते हैं। अच्छा, लुंडा नाला थोल से। हाँ, थोल से। हम कोशिश करेंगे और मैं और तनवीर साहब नेक्स्ट जब आए तो दो हफ्ते के लिए गाँव आए। वो लाल की पागल है, वो थोल था जी अब्दुल की। वो लाल कितने लोग आपके गांव में रहने वाले? चार पाँच हजार रहते हैं और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल। वहाँ पे गरीब लोग कितने हैं इनसे पूछे? गरीब आपके गाँव में गरीब लोग है? अच्छा अंकल जी, आप क्या करते हैं? आप टीचर हैं या किसी इदारे में? महकमा जंगलात में। अच्छा, महकमा जंगलात में। तो यहाँ मैं जो आम आदमी को कमर्शियल रेट पर तैयार की लकड़ी दी जाती है घर बनाने के लिए, क्या रेट है यहाँ पर उसके? कमर्शियल रेट से यहाँ पे जिम्मेदार रेट है सकते। अच्छा जी, तो ये वैसे ही बस काट कर ले जाते हैं और गार्ड फॉरेस्टर के साथ बस मेल मिलाप करते करे। 10-15 हजार रुपया उनकी तनख्वाह होती है, उसमें वो कैसे सरवाइव करें? वो सरकार को देते हैं, हमारी रियासत के जो है ना वसाइल लूट के गार्ड और फॉरेस्टर। यहाँ के भाई साहब कह रहे हैं ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरे बिम्बर से लेकर ये केल तक पूरी रियासत के अंदर ये लूट शूट का बाजार इसी तरह गर्म है। ये सिर्फ यहाँ के हालात नहीं है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तबीयत आपकी ऐसी है या क्या? क्या ही बात है, अब हंस मुके हैं। हंसो हंसो, हमें हंसाओ भी, सिर्फ अकेले मत हंसो। हंसो हंसाओ। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारी काली गाड़ी थी वो आगे चली गई है। अच्छा अच्छा, बता देना हंस क्यों रहे हैं? उसका राज बता दियो। पाकिस्तानी फौज में लेकर अगर फौज में होते तो ये आप मेहंदी न लगाते। 18 साल नौकरी करके आए, फौज में रिटायर हो के आए। अच्छा अच्छा, मैं नहीं लगाते यहाँ पर, ये वही निशानी है। 18 साल सर्विस होगी जी, खत्म करके आए ना, पेंशन आया है। किधर से डिप्टी किधर से बाहर हो गया? कोई तो आप डेड पोजिशन से ही आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये काम के रहने वाले हैं। मैं 2006 में आया हूँ, 2006 में आया हूँ। 7 साल हो चुके हैं। चलो। ये स्लिप हुआ है, ये रोड पत्थर से स्लिप हुआ। हाँ जी, अरे पत्थर हो मिट्टी हो स्लिप होता है। तो फिर थोड़ा सा अगर आप, हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि ये रोड तो भाई साहब आप कह रहे थे कि ये जो रोड है ये सियाचिन की रोड से भी ज्यादा तंग है, सख्त है। सख्त है और बहुत मुश्किल रोड है। ओह,
ایسی بری روڈ آپ نے کہیں نہیں دیکھی؟ نہیں 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 کسی جگہ پوری ریاست میں سروائس سائیڈ ہے میں کوئٹہ ڈائریکٹ میل اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں رہا ہوں ادھر آپریشن سے یہ دیکھیں ہمارے اندر اب سب کچھ ہل رہا ہے ویسے وہ بابو گنج لڑ پیا سا 200 روپے کرایہ کے نہیں یہ تو جائز ہے اگر 300 بھی جائز اس حالت نال گڑیاں نے کیسے سوچیا ہمیں تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں کیل سے نکلے ہوئے ہیں، 4 بجے 4 تو ابھی کیا ہوا ہے ٹائم؟ 5:30 3 گھنٹے